नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर। आजम की सल्तनत में आए इमाम मोहिबुल्लाह की कहानी। सांसदों को नमाज पढ़ाते पढ़ाते जागी सांसद बनने की हसरत। रामपुर के चुनावी चक्रव्यूह में अकेले फंसे आजम खान के सियासी साम्राज्य रामपुर में उन्हीं का विकल्प बनने आए दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर के सियासी चक्रव्यूह में अकेले फंस गए। मर्जी के खिलाफ टिकट दिए जाने से जेल में बंद आजम जहां चुप हैं, वहीं उनके सिपा सलारों और सपा के लोकल यूनिट ने मोहिबुल्लाह से दूरी बना रखी है। रामपुर चुनाव में मोहिबुल्लाह के पर्सनल लाइफ से लेकर उनके जीरो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस का मुद्दा भी खूब चर्चाओं में है। दूसरी पत्नी रुमाना परवीन के स्टेटमेंट भी नदवी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मोहिबुल्लाह के पर्सनल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर लोगों के जहन में तमाम ख्याल हैं। हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आखिर कौन है मोहिबुल्लाह और इमारत करते करते उनकी सियासत में एंट्री कैसे हुई? नदवी की तीन शादियों का सच क्या है? अखिलेश के मोहिबुल्लाह को उतारकर आजम को क्या संदेश दिया है? ये भी बताएंगे कि रामपुर के चुनावी गणित में मोहिबुल्लाह कितने फिट बैठते हैं। तीन शादियां, पांच बच्चे, रामपुर के स्वार में है घर। मोहिबुल्लाह के पिता मोहम्मद अली की मौत हो चुकी है। वह पेशे से किसान थे। मोहिबुल्लाह के तीन शादियां हुई हैं। पहली पत्नी की मौत कैंसर से हो गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी आगरा की रुमाना परवीन से की। अब उनका रुमाना परवीन से केस चल रहा है। मोहिबुल्लाह ने तीसरी शादी समरा नाज से की है। समरा गृहिणी है। मोहिबुल्लाह छह भाई हैं और एक बहन है। खुद मोहिबुल्लाह और उनकी फैमिली का राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।